हेलो दोस्तों, यह है मेरे पास रियलमी C53 जो कि अंडर 10,000 में आता है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह है हमारा रियलमी C53 का बॉक्स, तो इसकी फटाफट हम इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पीछे की तरफ हमें 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा मिल जाता है और 18 वोल्ट का चार्जर और भी सारी स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मिनी बॉक्स मिल जाता है और यह है हमारा स्मार्टफोन। और बॉक्स पर हमें एक USB टाइप सी केबल मिलती है हमारे स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। और यह है हमारा 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इस स्मार्टफोन में मुझे एक खास बात लगी कि अंडर 10,000 में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बात करें हम TPU केस की, तो TPU केस हमारा ग्रे कलर का TPU केस मिलता है और कंपनी में हमें वाइट कलर देखने को मिलता है। तो हमने देखा है वाइट कलर हमारा येलो कलर हो जाता है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ग्रे कलर काफ़ी अच्छे क्वालिटी है आप देख सकते हैं। तो बात करें हम इसके कलर और डिज़ाइन की, तो हमारे पास शैम्पेन गोल्ड कलर है। तो बात करें हम बैक पैनल की, तो ऊपर की तरफ हमें कैमरे की तरफ ग्लॉसी डिज़ाइन मिलता है और नीचे की तरफ हमें मैट फिनिश मिलता है आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसके नीचे की तरफ की, तो नीचे हमें 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और USB टाइप सी पोर्ट और साथ ही स्पीकर ग्रिल। तो बात करते हैं हम इसकी राइट साइड की, तो राइट साइड में हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है और पावर बटन मिलता है जिसमें फिंगर सेंसर है। तो बात करें हम इसके सिम कार्ड स्लॉट की, तो सिम कार्ड एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए हमारा स्मार्टफोन ऑन हो चुका है। तो बात करें हम इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो डिस्प्ले हमारा 6.74 HD डिस्प्ले मिलता है और रेजोल्यूशन की बात करें तो 720p का हमें रेजोल्यूशन मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो रिफ्रेश रेट 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफ़ी स्मूथ है आप देख सकते हैं। डिस्प्ले कलर भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। इस प्राइस रेंज में रियलमी ने काफ़ी अच्छे कलर दिए हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप बताइए आपको कैसे अच्छे लगे। तो ये एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड आता है स्मार्टफोन। बात करें सिक्योरिटी अपडेट, तो सिक्योरिटी अपडेट हमारा 5 सितंबर का मिलता है 2023 का। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम 128GB रोम के साथ आता है ये स्मार्टफोन और इसमें नाइट मोड भी है जो कि आइज के लिए काफ़ी कंफर्टेबल यूज़ होती है। तो बात करते हैं इसके कैमरे की, तो हमें पीछे की तरफ हमें डुअल कैमरा मिलता है और 1 LED फ्लैश मिलती है। जो मेन कैमरा है हमारा 108 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी कैमरा हमारा 2 मेगापिक्सल का टैप फ्लैश है। कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। तो इस स्मार्टफोन में हमें काफ़ी सारे मोड मिल जाते हैं। तो ये हमारा 108 मेगापिक्सल है, तो ये हमारे सारे मोड हैं, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, पियानो मोड है और QR कोड है, स्लोमो भी है, स्लोमो काफ़ी अच्छा है इसका। और ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड पर हम फोकस और फोकस दोनों कर सकते हैं। तो मेन कैमरे से हम 108 मेगापिक्सल से फोटो ले सकते हैं। बात करें हम इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा हमारा, तो बात करते हैं हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हम 1080fps में कर सकते हैं और 720-30fps में भी कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग हम इसमें 720-30fps में कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। चलिए इसकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं और वीडियो क्वालिटी।